नमस्कार, मैं हुरचा शर्मा। स्वागत है आपका मुसाफिर हूँ दोस्तों के इस एक्साइटिंग एपिसोड में। आज हम बात करेंगे उस शहर की जो समय जितना पुराना है। ये शहर लोगों से भरा है, रंगों से सराबोर है और यहाँ पर आकर आप जीवन के अंत और प्रारंभ को बहुत करीब से देख सकते हैं। लगभग 3000 साल पुराने इस शहर को लोग आज भी हजारों की संख्या में देखने के लिए आते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड की ओल्डेस्ट लिविंग सिटी के बारे में, जिसे हम वाराणसी भी कहते हैं। इंग्लिश ऑथर मार्क ट्विन ने अपने शब्दों में कहा था, बनारस इज ओल्डर देन हिस्ट्री, ओल्डर देन ट्रेडिशन, ओल्डर देन लेजेंड्स एंड लुक ट्वाइस एज ओल्ड एज ऑल ऑफ देम पुट टुगेदर। आइए चलते हैं इतिहास से भी पुराने इस शहर के सफर पर। सबसे पहले बात करते हैं बनारस के वर्ल्ड फेमस घाटों के बारे में। बनारस में लगभग 100 घाट हैं, जिसमें दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। हजारों दियों की रोशनी में गूंजते हुए पवित्र मंत्र और अविरल बहती गंगा आपको एक अलग ही अनुभव देगी। यहाँ आपको सच में परमात्मा के होने का अनुभव होगा। तुलसी घाट, कहा जाता है कि तुलसी घाट पर ही तुलसीदास जी ने महान ग्रंथ रामचरितमानस को रचा था। केदार घाट की तो सुंदरता देखते ही बनती है। कहा जाता है कि पंचगंगा नहान का 80 घाट के बाद दूसरा नहान का पड़ाव केदार घाट ही है। इस घाट पर दक्षिण भारतीयों की बहुत भीड़ होती है। चलिए बात करते हैं अब 80 घाट की। बीएचयू के करीब स्थित 80 घाट विजिटर्स के बीच काफी लोकप्रिय है। यहाँ पर बोट राइड करते हुए गंगा किनारे स्थित सारे घाटों की सुंदरता आप देख सकते हैं। बोट राइड के लिए सबसे अच्छा समय सुबह के भोर 5:30 बजे से 8 बजे तक का है और अभी हाल में ही यहाँ पर हॉट एयर बलून की सुविधा भी दी गई है, जिससे आप 80 घाट का एरियल व्यू ले सकते हैं। साथ ही बहुत सारे कैफेज और स्टॉल्स भी हैं, जहाँ पर आप बनारस के लोकल फूड का आनंद उठा सकते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने 4 फरवरी 1916 को इस महान विश्वविद्यालय को बनाया था। इसके उद्घाटन में हम आपको बता दें कि श्रीमती एनी बेसेंट, महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर जैसी महान हस्तियां भी मौजूद थी। वाराणसी बुनकरों का शहर है। यहाँ के एक गांव में सिर्फ बुनकर ही रहते हैं। यहाँ की बनारसी साड़ियाँ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों तक जाती हैं। यहाँ की गोल्ड, सिल्वर, ब्रोकेड, जरी और फाइन सिल्क आप अपने साथ जरूर ले जाएं। यहाँ के लोकल मार्केट में विजिट करना बिल्कुल न भूलें। यहाँ की शॉल, कारपेट्स और बैंगल्स और हिंदू भगवान और बौद्ध धर्म के भगवान की मूर्तियाँ एक यादगार सोविनियर साबित होंगी। अगर बनारस आए हैं और खाने की बात ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस शहर की तरह ही यहाँ का खाना भी यूनिक और विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ की फेमस स्नो कोन, पीनट चाट, पानी पूरी और कचौरी और वैरायटी ऑफ स्वीट्स में आप जलेबी, बनारसी, कलाकंद और रबड़ी ट्राई करना बिल्कुल न भूलें। विविधताओं से भरे इस शहर को आप अपने जीवन में एक बार जरूर विजिट करें, तभी आप यहाँ की प्राचीनता और गौरव को महसूस कर पाएंगे। ऐसे ही एक्साइटिंग ट्रेवल न्यूज के लिए और अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ ट्रैक लाइव के साथ।